भागलपुर के गोराडी थाना क्षेत्र में 15 जून को हुए सोमेश मंडल हत्याकांड मामले का खुलासा हो गया है। शुक्रवार को सिटी एसपी श्री राज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हत्याकांड में पकड़े गए अपराधियों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। सिटी एसपी राज ने बताया कि सोमेश मंडल की हत्या जमीन विवाद और छेड़खानी को लेकर की गई थी, जिसमें कुख्यात अपराधी सत्तन यादव के द्वारा अपने दो सहयोगियों के साथ मिलकर हत्या की घटना को अंजाम दिया गया था। सिटी एसपी श्री राज ने बताया कि तकनीकी अनुसंधान के जरिए पुलिस ने सोमेश मंडल की मोबाइल को सत्तन यादव के घर से बरामद किया, जिसके बाद मामले की गुत्थी सुलझ गई। सिटी एसपी श्री राज ने बताया कि सत्तन यादव पर भागलपुर जिले के विभिन्न थाने में हत्या और लूट से संबंधित कई मामले दर्ज हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हत्याकांड में सफल उद्भेदन के लिए टीम को पुरस्कृत भी किया जाएगा। आज का पीसी दो महत्वपूर्ण मामले संबंधित है। एक मामला जो कि गोराडी थाना अंतर्गत 15 जून को सुमेश मंडल हत्याकांड हुआ था, जिसमें इस केस का सफल उद्भेदन किया गया और इस पूरे टीम ने, जिसमें संजय कुमार सिंह थानाध्यक्ष गोराडी, DIU की पूरी टीम, रंजीत कुमार प्रभास, सुशील राज रिजवी, भानु प्रताप सिंह, इन्होंने पूरे इस कांड का सफल उद्भेदन करते हुए तीन लोगों को गिरफ्तार किया है, तीन अपराधियों को, जिसमें पहला सतन यादव, पिता स्वर्गीय मोती यादव भयगांव, दूसरा रंजीत वर्मा, पिता वासुदेव वर्मा, तीसरा विनोद दास, पिता फागु दास, ये सभी जो है गोराडी थाना के ही रहने वाले हैं। इन तीनों को गिरफ्तार किया गया और सतन यादव के घर से जो मृतक का मोबाइल था उसको भी बरामद किया गया है। इस तरह से ये कांड का सफल उद्भेदन किया गया है और अब तक कुल में भी एक व्यापारी मंडल को, जो नामजद अभियुक्त थे, उनको भी गिरफ्तार किया गया था। तो कुल मिलाकर ये चार लोगों ने मिलकर ये हत्याकांड किया था सुमेश मंडल को, जिसमें गोराडी थाना में 5824 केस भी दर्ज हुआ था। घटना का जो कारण यह निकल के आया है कि दो कारण निकल के आया है कि व्यापारी मंडल से एक तो उनका जमीनी विवाद भी था और इसमें जो रंजीत वर्मा जो है अभियुक्त जो पकड़ाए हैं, इनके पत्नी से छेड़छाड़ का भी मामला निकल के आया है, जैसा कि सत्यन यादव ने बताया। हत्या करने में सत्यन यादव मुख्य रूप से, चूँकि सत्यन यादव का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है, जो कि गोराडी थाना कांड संख्या 134-20 जो डकैती और आर्म सेट, 123-20 जो लूट कांड, 781-5 ततारपुर का जो कि डकैती और आर्म सेट, मुजाहिदपुर का 66-19 जो कि आर्म सेट, हंसडीहा जो दुमका थाना है उसमें 422 जो कि हत्या एवं आर्म सेट से संबंधित है। तो कुल 5 अपराधिक इतिहास सतन यादव का है, जो पुराना क्रिमिनल है, तो इसको हायर किया गया और इसके द्वारा जो है हत्या की गई थी। इसके एवज में इसने 20,000 रुपया जो है प्राप्त भी किया है, रंजीत वर्मा और व्यापारी मंडल के द्वारा दिया गया था इसको। तो इस ये पूरे टीम को जो है इस चीज़ के लिए पुरस्कृत किया जाएगा, जो कि टेक्निकल एविडेंस के साथ हमारे पास टेक्निकल एविडेंस भी इसमें मौजूद है। भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के निर्देश पर जिले के सभी थाना क्षेत्रों में अवैध शराब एवं मादक पदार्थ के विरुद्ध लगातार अभियान जारी है। इसी क्रम में औद्योगिक थाना क्षेत्र में 2-4 पहिया वाहन से भारी मात्रा में विदेशी शराब को जब्त किया गया है। इसी को लेकर भागलपुर के सिटी एसपी श्री राज ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि औद्योगिक थाना क्षेत्र के थाना अध्यक्ष मुरलीधर शाह को गुप्त सूचना मिली थी कि झारखंड के रास्ते 4 पहिया वाहन से भारी मात्रा में शराब लेकर तस्कर जा रहा है। इसी क्रम में औद्योगिक थाना की पुलिस टीम ने सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें 1 4-पहिया वाहन से 139 लीटर शराब जब्त किया है। साथ ही वाहन चालक को भी मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। सिटी एसपी ने बताया कि मादक पदार्थों और शराब तस्करों के विरुद्ध आगे भी अभियान जारी रहेगा। एक महत्वपूर्ण मामला जो कि शराब, विदेशी शराब की बरामदगी से संबंधित है, जो कि औद्योगिक थाना क्षेत्र अंतर्गत कल किया गया है, जिसमें कुल 250 लीटर विदेशी शराब बरामद किया गया है, 2 4-पहिया वाहन, और इसमें व्यक्ति का नाम प्रेम प्रकाश उर्फ दीपक कुमार, पिता पंकज सिंह, साकिन विक्रमशिला, जो कि कहलगांव का रहने वाला है। इसके पहले भी बैपास थाना क्षेत्र अंतर्गत जो शराब की बरामदगी की गई थी एक दिन पहले भी, और लगातार इसमें जो दूसरी कार्रवाई जो औद्योगिक थाना क्षेत्र अंतर्गत की गई है। भागलपुर सुल्तानगंज में श्रावणी मेला के 5वें दिन भागलपुर कमिश्नर दिनेश कुमार ने जिला पदाधिकारी के साथ धांधी बेलारी पंचायत में स्थित
कांवरिया रेन सेंटर, कांवरिया विश्राम स्थल, स्वास्थ्य शिविर, कांवरिया पथ और अन्य सुविधाओं का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बाहर से आने वाले कांवरियों से फीडबैक भी लिया। कमिश्नर दिनेश कुमार और जिला पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने मीडिया को बताया कि श्रावणी मेला में कांवरियों को दी जा रही सुविधाओं की जाँच के लिए उन्होंने कांवरिया विश्राम स्थल, स्वास्थ्य शिविर, रेन सेंटर, लाइट की व्यवस्था और साफ सफाई पर विशेष ध्यान देते हुए स्थल निरीक्षण किया है। साथ ही पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं ताकि सुविधाओं को और बेहतर बनाया जा सके। वहीं कांवरियों से फीडबैक लेकर उनकी संतुष्टि के स्तर का भी पता लगाया गया है। इस दौरान कांवरियों ने मौजूदा व्यवस्था की सराहना की और उनके लिए और बेहतर सुविधाएं प्रदान करने पर विचार किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान जिला और प्रखंड के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। आज हम लोग आए थे कि जो कांवरिया लोग हैं उनके लिए आवासन की व्यवस्था कैसी है और क्या क्या सुविधाएं जो दी जा रही हैं वो प्रॉपरली उनका क्रियान्वयन हो रहा है कि हम लोगों ने दोनों तीनों कैंपों में घूम करके देखा। उनके लिए जो टॉयलेट्स या शौचालय की व्यवस्था है, पीने की पानी की व्यवस्था है, उनके सोने बैठने और सफाई की व्यवस्था है, तो सफाई के लिए हम लोगों ने बोला है कि हम लोगों को पहले भी जो रहा है मीटिंग में हम लोगों ने पहले भी बोला है कि सफाई इस बार बढ़िया होनी चाहिए। तो हम लोगों ने ताकीद भी की है कि सफाई रेगुलर करें और बराबर करें। और मैं कांवरिया लोगों से अपील करूँगा कि जहाँ पर टेंट वगैरह नहीं है, जहाँ पर ईयर मार्क जो किचन का शेड बनाया हुआ है, खाना वाना वहीं पर बना है, वहाँ पर हम लोगों ने किचन के लिए अलग से व्यवस्था की है और वहाँ पर बालू और पानी ये सब रखवाया हुआ है ताकि दुर्घटना होने का कोई वो नहीं, चांस नहीं लगे। और दूसरा स्वास्थ्य शिविर भी हम लोगों ने किया हुआ है, दोनों जगह पर है। तो कांवरिया पथ में जो लोग हैं उनको अगर कोई भी तकलीफ होती है उसको जाकर के जरूर उसको दिखा लें, जो नज़रअंदाज ना करें। और कोई भी फीडबैक हम लोग आगे भी आते रहेंगे और कोई भी फीडबैक या कोई भी सुधार करना होगा तो हम लोग। तो बाल बाल झड़ रहे हैं, गंजेपन के शिकार से बचना चाहते हो तो आ जाओ फिर इंस्टेंट हेयर सॉल्यूशन। ये सीधा तिलका मांझी चौक से आपको खानपट्टी वाली गली में मिल जाएगा। जब तुम सीधा अंदर आओगे तो फिर आ जाओगे इंस्टेंट हेयर सॉल्यूशन और देख लो अंदर का इंटीरियर, लाजवाब है। और यहाँ के रिजल्ट देख के तो मतलब मज़ा ही आ जाएगा, ये देखो है ना। तो आ जाओ फिर, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आप इस वीडियो के थ्रू वहाँ जाते हो तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। एंड गो फॉर इट, मजा आ जाएगा। हमारा पता है खानपट्टी रोड, तिलका मांझी चौक, भागलपुर। मोबाइल नंबर 6200643686। भागलपुर जिले के बाद थाना क्षेत्र के करहरिया पंचायत पिपरा गांव में एक वृद्ध व्यक्ति की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। दरअसल गांव में दो दिन पहले 6 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म का आरोप वृद्ध दिनेश सिंह पर लगाया गया था, जिसे लेकर बच्ची की मां ने बाद थाना पुलिस में प्राथमिकी भी दर्ज कराई थी। वहीं पुलिस ने बच्ची का मेडिकल जांच भी कराया, जिसके बाद आरोपी दिनेश प्रसाद सिंह अचानक लापता हो गया। शुक्रवार को उसके घर के ही समीप एक झाड़ी में दिनेश सिंह का शव बरामद हुआ है। वहीं शव मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक के पुत्र अभिनंदन कुमार सिंह ने आरोप लगाया है कि उसके पिता की हत्या एक साजिश के तहत की गई है। उन्होंने कहा कि गांव के कुछ लोगों ने उनके पिता को झूठे दुष्कर्म के आरोप में फंसाकर तेजाब डालकर हत्या की और शव को झाड़ी में फेंक दिया। अभिनंदन ने बताया कि उन्हें सुबह कचरा फेंकने जाने के दौरान बदबू आने पर पता चला कि उनके पिता की हत्या हो गई है। वहीं मौके पर 3 थानों की पुलिस टीम पहुंची और वृद्ध दिनेश सिंह के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर मायागंज अस्पताल भेज दिया। इधर पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यह हत्या किसी साजिश का नतीजा है या इसके पीछे कोई और वजह है। वहीं स्थानीय लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही मामले की सच्चाई सामने लाई जाएगी।
छह साल की बच्ची के साथ रेप केस का आपलंग लगाया गया है और हम लोग को भी मतलब बच्ची की माँ हमसे भी मिली है। किस पे आरोप लगाया था? हमारे पिताजी के ऊपर, जो कि 74 से 75 वर्ष का उम्र है उनका। एक आंगन में हमारी दो बेटी पली है, एक बेटा पला है, एक वाइफ पली है, लेकिन आज तक इनका कुछ नहीं सुने सर, कभी किसी पूरा समाज में। आज का घटना क्या है? आज का घटना है सर, मेरे पिताजी को 23 तारीख के डेट में जो है ये लोग केस करने गए हैं और मेरे पिताजी को घर के अंदर बंद करके रख करके पुलिस का 24 बार थाना का ये लोग चक्कर लगाए हैं और इनके ऊपर तेजाब डाल करके इसको घर के अंदर मार करके पीछे के साइड में फेंक दिया गया है सर। अच्छा, आज 3 से 4 दिन के चौथा दिन है सर। चौथा दिन जब लाश पूरा कीड़ा से सड़ गया तब मालूम हुआ है सर। अच्छा, कोई बारी वाले गए जिसके बाड़ी में फेंका है उधर गए कचरा उचरा फेंकने, तो उनको मालूम हुआ कि इधर बदबू कर रहा है। पिताजी क्या दिन से लापता थे? 23 तारीख से लापता है सर, दोपहर 2 बजे। आप लोग कभी खोज भी नहीं किए? खोज किए सर, जब ऐसे आरोपी थे तो हम लोग अपने रिलेशन में खोज किए सर, नहीं मिला तो हम कोई संपर्क नहीं हुआ, नहीं हो पाया सर। फोन उनको बजा है, मेरे नंबर से उनका 3 बार फोन बजा है। कब? 23 तारीख के दिन में शाम में 6 से 7 के बीच में 3 बार फोन बजाया, रिसीव नहीं हुआ है सर। उसके बाद भी अभी डेड बॉडी के पास में कमर में ही फोन बंद है सर। अपने उजड़े आशियाने को बचाने के लिए बाढ़ प्रभावित सबौर प्रखंड के इंग्लिशफरका गांव के निवासी पिछले 2 साल से लगातार जिला पदाधिकारी कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं। 2 साल पहले सबौर प्रखंड के इंग्लिशफरका गांव में सैकड़ों घर नदी में समा गए थे, जिसके चलते ग्रामीण मजबूरन खुले आसमान के नीचे एक मैदान में रह रहे हैं। बाढ़ पीड़ितों ने बताया कि उन्होंने मेहनत मजदूरी करके पक्के मकान बनाए थे, लेकिन गंगा नदी की भयानक बाढ़ में वे मकान बह गए। अब उनके पास कोई अस्थायी आश्रय नहीं है और वे स्थानीय अंचल कार्यालय से लेकर जिला पदाधिकारी कार्यालय तक मदद की गुहार लगा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि 2 साल से अधिक समय बीत जाने के बावजूद उन्हें अब तक कोई ठोस आश्वासन या मुआवजा नहीं मिला है। स्थिति इतनी विकट हो गई कि उनके पास न घर है और न ही कोई सुरक्षित जगह जहां वे अपने परिवार के साथ रह सके। आपको बता दें कि सबौर प्रखंड का इंग्लिशफरका गांव बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है और यहां हर साल गंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि से मकान नदी में समा जाते हैं। भागलपुर में वाटर वर्क्स यूनियन के बैनर तले नगर निगम परिसर के बाहर दर्जनों दैनिक कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने सरकार और नगर निगम प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी समस्याएं और मांगे रखी। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने बताया कि वे पिछले 15 वर्षों से वाटर वर्क्स में अपनी सेवा दे रहे हैं, लेकिन उन्हें उचित मानदेय नहीं मिल रहा है। हाईकोर्ट के आदेश पर 7वें वेतन की मंजूरी दी गई थी, लेकिन अब इसे निरस्त करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि मौजूदा महंगाई में पैसे की कमी के कारण परिवार का खर्च चलाना बेहद कठिन हो गया है। वहीं मौके पर बड़ी संख्या में कर्मचारी मौजूद थे और वे अपने समस्याओं के समाधान की मांग कर रहे थे। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों का कहना है कि यदि उनकी मांगों को जल्द से जल्द नहीं माना गया तो वे कठोर कदम उठाने को मजबूर होंगे। भागलपुर में 25वां कारगिल विजय दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया, जिसमें सैकड़ों युवाओं ने मशाल। दरअसल कारगिल विजय दिवस भारतीय सेना के बहादुर जवानों के बलिदान और 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तान पर भारतीय सशस्त्र बलों की विजय के सम्मान में हर वर्ष 26 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिन भारत के 140 करोड़ लोगों के लिए गर्व का विषय है। 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान भारत ने पाकिस्तान को हराया था और यह युद्ध लगभग 60 दिनों तक चला था। इस दिन को वीर भारतीय सैनिक को याद करने के लिए मनाया जाता है, जिन्होंने इस युद्ध में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। वहीं भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा एक विशाल मशाल जुलूस और तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सैकड़ों युवाओं ने हिस्सा लिया और भारत माता की जय और वीर जवान अमर रहे के नारों से पूरा वातावरण गूंज उठा। दरअसल कारगिल युद्ध में असाधारण वीरता दिखाने वाले कैप्टन निर्भय कुमार सिंह ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए दुश्मनों को खदेड़ बाहर किया था। दुर्भाग्यवश इस दौरान वे वीरगति को प्राप्त हो गए। उनका बलिदान देश के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत बना रहेगा।